नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। ईडी की छापेमारी से राजनीतिक हलकों में बेचैनी है। मुंबई और नागपुर के बाद औरंगाबाद में भी कुछ नामी उद्योगपतियों और बिल्डर के घर पर छापेमारी की गई, तो आर्यन खान ड्रग्स मामले के एनसीपी के गवाह किरण गोसावी के खिलाफ अब पुणे के भोसरी पुलिस स्टेशन में एक और ठगी का केस दर्ज कराया गया है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की बेटी के साथ दुराचार करने की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उधर क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच नवाब मलिक और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच कानूनी जंग के आसार बनते लग रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना महामारी से सबक हासिल करने वाले बीएमसी अब मुंबई करों के स्वास्थ्य पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचाने और जागरूक करने के लिए आगामी सप्ताह वह IEC हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। प्रदेश के इन पांच बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। औरंगाबाद के कुछ नामी उद्योगपतियों और बिल्डर के घर पर छापेमारी की कार्रवाई से खलबली मच गई है। गुरुवार की दोपहर 12 बजे ईडी ने 7 जगहों पर छापेमारी शुरू की। यह अगले दिन भी जारी रही। बताया जा रहा है कि शहर के कई उद्योगपति और बिल्डर ईडी के रडार पर हैं। इस छापेमारी के पीछे समीर वानखेड़े का कनेक्शन बताया जा रहा है। मुंबई और नागपुर के बाद औरंगाबाद में भी कुछ लोग ईडी के रडार पर हैं। कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम कुल 12 अधिकारी शामिल थे। स्थानीय स्तर पर इस छापेमारी की कोई जानकारी नहीं थी। दोपहर में अचानक औरंगाबाद के 7 जगह के कार्यालय पर ईडी की टीम दाखिल हुई। बताया जा रहा है कि जिन उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें से एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ है। ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक उद्योगपति से पूछताछ चल रही है। इस छापेमारी से क्या सामने आता है, इस पर नजर टिकी हुई है। जानकारों का मानना है कि ईडी की कार्रवाई की धमक दूर तक सुनाई दे सकती है। एक तरफ से यह राजनीतिक पेच खेमों में ज्यादा उलझी नजर आ रही है। केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है, जबकि केंद्र का कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है, इससे दिल्ली का कोई लेना देना नहीं। पुणे की फराज खाना वानवड़ी लश्कर पुलिस स्टेशन में ठगी का केस दर्ज होने के बाद आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी के खिलाफ अब भोसरी पुलिस स्टेशन में और एक ठगी का केस दर्ज कराया गया है। विजय कुमार सिद्धलिंग कानड़े ने भोसरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता 2015 में नौकरी ढूंढ रहा था, तभी उसने नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इस दौरान अलग अलग जॉब पोर्टल साइट से नौकरी का ऑफर आ रहा था। इसी दौरान शिकायतकर्ता को शिवा इंटरनेशनल से 21 मार्च 2015 में उसके मेल आईडी पर जॉब का ऑफर आया। इसमें उसे देश विदेश के होटलों में मैनेजमेंट में नौकरी लगाने का जिक्र किया गया था और बायोडाटा भेजने के लिए कहा गया। इसके बाद शिकायतकर्ता शिवा ने इंटरनेशनल के आईडी पर बायोडाटा भेजा था। इसके बाद किरण गोसावी ने शिकायतकर्ता को बुनई में नौकरी लगाने का झांसा देकर विश्वास पैदा किया। नौकरी लगाने के नाम पर शिकायतकर्ता से नासिक फाटा में मुलाकात कर 30,000 रुपये लिए। इसके बाद शिकायतकर्ता से आरोपी ने समय समय पर 2,25,000 रुपये जमा कराए और ठगी की, इसीलिए यह केस दर्ज कराया गया है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। भारतीय टीम की चुनौती सुपर 12 में ही खत्म हो गई और खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह ट्रोलिंग तब निचले स्तर पर पहुंच गई जब एक ट्रोलर ने विराट कोहली की बेटी के साथ बलात्कार करने की धमकी दी। मुंबई पुलिस ने साइबर सेल के जरिए धमकी देने वाले यूजर का पता लगाया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह धमकी देने वाला उच्च शिक्षित है और उसने IIT से डिग्री पूरी की है, उसे मुंबई लाया गया है। आरोपी का नाम राम नागेश श्रीनिवास अगुबथीनी है। उसने 2 साल पहले IIT हैदराबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद एक नामी फुट ऐप कंपनी में काम करता था। कंपनी में उसकी 24 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज था। हाल ही में उसने खुद से नौकरी छोड़ दी और अमेरिका जाकर मास्टर डिग्री करने की तैयारी शुरू की थी। उसके पिता को भी अब तक मालूम नहीं है कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे भी बेटे के साथ हैदराबाद से मुंबई आए हैं। बता दें कि आरोपी ने जिस बच्ची के साथ बलात्कार की धमकी दी थी उसकी उम्र 9 महीने की है। एक उच्च शिक्षित युवक के दिमाग में इस हद तक नफरत भरी थी कि उसने मासूम के साथ बलात्कार करने की धमकी दे डाली।
क्रूज ड्रग्स मामले में कई दिनों से जारी आरोप प्रत्यारोप के बाद राज्य के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच कानूनी जंग के आसार बनते लग रहे हैं। मलिक के दामाद समीर खान ने मानहानि के मुआवजे की मांग की है। वहीं फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने अपनी छवि खराब करने के लिए मलिक को मानहानि का नोटिस भेजा है। मलिक की बेटी नीलोफर ने अपने पति के ओर से वकील आरआई अंसारी के जरिए भेजा गया नोटिस ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि झूठे आरोप जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कोई आरोप लगाना या निंदा करने से पहले पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। यह मानहानि का नोटिस झूठे दावे और बयानों के लिए जो फडणवीस ने मेरे परिवार पर लगाए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। समीर के वकील ने यह नोटिस फडणवीस के मुंबई आधिकारिक निवास और नागपुर के आवास पर भेजे हैं। इस नोटिस में फडणवीस के इस बयान का उल्लेख है कि मलिक के दामाद के पास ड्रग्स मिला था। अमृता फडणवीस ने एक लॉ फर्म और वकील हितेश जैन के माध्यम से मलिक को मानहानि का नोटिस भेजा है। इसमें मलिक के ट्वीट का फोटो भी जोड़ा गया है। नोटिस में कहा गया है कि मलिक ने भ्रामक, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने वाले ट्वीट के लिए इसलिए मलिक 48 घंटे में ट्वीट हटाए और बिना शर्त माफी मांगे। कोरोना महामारी से सबक हासिल करने वाली बीएमसी अब मुंबई करों के स्वास्थ्य पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। विभिन्न बीमारियों से बचाने और जागरूकता करने के लिए आगामी सप्ताह IIC हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए साल भर बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इसके टिप्स दिए जाएंगे। हेल्थ टिप्स सोशल मीडिया से लेकर सिनेमाघरों के माध्यम से दिए जाएंगे। बता दें कि 7.5 लाख से अधिक मुंबईकर कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। वायरस का सबसे ज़्यादा वो लोग शिकार हुए हैं जो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं। ऐसे लोगों पर कोरोना इतना हावी रहा कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसे बीएमसी ने गंभीरता से लिया है। बीमारियों से बचाने और उन्हें फिट रखने के लिए आगामी सप्ताह बीएमसी IIC हेल्थ उपक्रम की शुरुआत कर रही है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने इस उपक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि बीएमसी बीमारियों के प्रति जानकारी और इनसे बचने के उपाय के लिए जन जागृति लाएगी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया के माध्यम से बीएमसी फिटनेस मंत्र दिए जाएंगे। बीमारियों को लेकर लोग अपने सवालों के जवाब विशेषज्ञों से लाइव सेशन के जरिए पा सकेंगे। इसमें बीएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की मदद ली जाएगी। इतना ही नहीं, बीमारियों को लेकर छोटी छोटी फिल्म्स बनाई जाएगी जो सोशल मीडिया और सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। एक बड़ा रेल हादसा टल गया। तमिलनाडु में चलती ट्रेन के ऊपर पहाड़ से बड़ा बोल्डर टूटकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2000 से ज्यादा यात्रियों की जान बच गई। उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासी उठापटक के चलते दिल्ली दरबार का माहौल ठंड में भी गर्मा गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली 10 जनपद पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे राशिद अल्वी ने संभल में एक सभा में कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले मुनि नहीं बल्कि निशिचर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना को लॉन्च किया। कहा कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम के आने से निवेशकों के बड़े वर्ग को निवेश का एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक को मध्य प्रदेश में बैन करने की बात कही है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तमिलनाडु में चलती ट्रेन के ऊपर पहाड़ से बड़ा बोल्डर टूटकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि हादसे में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दक्षिण रेलवे के अनुसार बेंगलुरु जाने वाली एक ट्रेन के 5 डिब्बे शुक्रवार को यहां बोल्डर गिरने के बाद पटरी से उतर गए, लेकिन करीब 2000 यात्री सुरक्षित है। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस गुरुवार शाम 6:05 बजे केरल में ईस्ट से रवाना हुई थी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 12 नवंबर को लगभग 3:50 पर चलती ट्रेन पर अचानक बोल्डर गिरने के कारण ट्रेन नंबर 07390 कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 5 डिब्बे बेंगलुरु के टोपुर सिवड़ी के बीच पटरी से उतर गए। हादसे के वक्त ट्रेन में 2348 यात्री सवार थे। सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। आला अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर के साथ दुर्घटना राहत ट्रेन और चिकित्सा उपकरण वैन को भी भेजा गया। यात्रियों की सुविधा के लिए टोपुरु में 15 बसों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दुर्घटना स्थल पर 5 बसों की व्यवस्था की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। 3 ट्रेन सेवाओं को डायवर्ट किया गया है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासी उठापटक के चलते दिल्ली दरबार का माहौल ठंड में भी गर्मा गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली 10 जनपद पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर अहम निर्णय लिया जा सकता है। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस 3 साल में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल नहीं होने के पीछे पार्टी की खींचतान का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। गहलोत ने कल ही कहा था कि राज्य कैबिनेट में किसी भी तरह के फेरबदल का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को ही लेना है और जो भी फैसला लिया जाएगा वह उन्हें मंजूर होगा। बता दें कि पायलट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके करीबी और समर्थकों को कैबिनेट में शामिल किया जाए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छटपटाहट भी तेज होती जा रही है। वहां की रार थमती नजर नहीं आ रही है। कुछ रणनीतिकारों का कहना है कि प्रदेश के लोगों के लिए जितना काम बघेल अपने राज्य में नहीं कर रहे हैं उससे कई ज्यादा अपने लिए दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बाद अब इनके एक और नेता ने हिंदुओं पर टिप्पणी की है। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे राशिद अल्वी ने संभल में एक सभा में कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले मुनि नहीं बल्कि निशीचर है। भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने रामायण का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब लक्ष्मण को तीर लगा तो रावण ने एक राक्षस को हनुमान का रास्ता रोकने के लिए भेज दिया। वह एक जगह बैठकर भगवान श्री राम के नाम का गुणगान करने लगा। हनुमान जी भी वहां पर रुक गए लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उस राक्षस का वध कर दिया। अब भी कुछ लोग उस राक्षस की तरह ही भगवान श्री राम का नाम जप रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कल्कि जल्द से जल्द अवतार ले और गुनाहगारों का खात्मा करे। कल्कि महोत्सव के मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने सबसे पहले सभी साधु संतों को नमन किया और उसके बाद कहा कि कलयुग को चलते हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। सभी साधु संत प्रार्थना करें कि पुराणों में दर्ज समय से पहले भगवान श्री कल्कि संभल में अवतार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव के तहत शुरू की गई 2 योजनाओं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना को लॉन्च किया। मोदी ने कहा कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम के आने से निवेशकों के बड़े वर्ग को निवेश का एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है। खासकर छोटे निवेशक इससे ज्यादा लाभान्वित होंगे। वही एकीकृत लोकपाल योजना ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाली है। खुदरा प्रत्यक्ष योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की एंट्री हो सके। इसमें रिटेल निवेशक भारत सरकार की सिक्योरिटीज और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में सीधे निवेश कर पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मोदी ने कहा कि खास बात यह है कि इसमें फंड मैनेजरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी निवेशक को कहीं जाने की जरूरत नहीं, वह सीधे सिक्योरिटीज में निवेश कर पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन 2 योजनाओं से निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। यह निवेश का सरल और सहज माध्यम है। सरकारी सिक्योरिटी में सीधे निवेश के ऑप्शन से रिटेल निवेशकों को एक और मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनराइज ओवर अयोध्या किताब को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये निंदनीय पुस्तक है, मैं कानूनविदों से राय लेकर मध्य प्रदेश में किताब को बैन करूंगा। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद हिंदू को खंडित करने का, जाति में बांटने का अवसर नहीं छोड़ते। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल किया, महान भारत नहीं बदनाम भारत है ये, किसने कहा था? कमलनाथ ने कहा था। ये किताब उसी का पार्ट है। कांग्रेस ने आस्था पर प्रहार करने का मौका नहीं छोड़ा है। इस किताब को लेकर सोनिया गांधी स्पष्ट करे कि वे किसके साथ है। गौरतलब है कि सलमान खुर्शीद की इस किताब से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बवाल मच गया है। किताब बुधवार को रिलीज हुई। इसका विमोचन पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। इस किताब के रिलीज होते ही बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े नेताओं ने जमकर विरोध किया। ग्वालियर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कहा कि यह बात असहनीय है। देश में इस तरह की छूट देना भारत की अखंडता, भारत की समरसता के लिए गंभीर है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि आज के तगड़े हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। हालांकि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में तारीफ की है। दुनिया चीन की चाल से हैरान है और चीन शी जिनपिंग का कायल है। यही कारण है कि शी जिनपिंग को चीन ने सिर आंखों पर बिठा कर रखा है।
अब तो उनका कद इतना बढ़ गया है कि दूर दूर तक सभी नेता बौने नजर आ रहे हैं। जनता के प्यार का ही असर है कि वहां मौत से तुंग और देंग जियाओपिंग की राह पर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भद पीट रही है। क्रिकेट के मैदान में पछाड़ खाने के बाद सोशल मीडिया पर तंग कसे जा रहे हैं। भारत के खिलाफ मिली जीत को इस्लाम की जीत कहने वाले वहां के गृह मंत्री शेख रशीद की बोलती बंद है, वह मीडिया से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वहीं बलूच विद्रोहियों ने जमकर जश्न मनाया है। तालिबान के दमन का शिकार अफगान जनता ने भी जोरदार डांस करके अपनी खुशी का इजहार किया है। उधर जो बाइडेन प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों में थोड़ी ढील दी है। अब H-1B वीजा के जरिए काम कर रहे कामकाजी लोगों के जीवन साथी अमेरिका में काम खोज सकते हैं। इस बीच चीन और अमेरिका जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले उत्सर्जन पर लगाम कसने के लिए सहयोग बढ़ाने तथा कार्रवाई तेज करने को सहमत हो गए हैं। दुनिया की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव से न केवल शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि उनका रुतबा और भी बढ़ गया है। यही नहीं, अब शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के बाद भी सत्ता में बने रहेंगे। इस तरह से शी जिनपिंग अब अपने पूर्ववर्ती माओत्सो तुंग और देंग जियाओपिंग की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी की 19वीं केंद्रीय समिति का 6ठा पूर्ण अधिवेशन 8 से 11 नवंबर को राजधानी बीजिंग में आयोजित किया गया है। अधिवेशन संपन्न होने के बाद बताया गया है कि बैठक में ऐतिहासिक प्रस्ताव की समीक्षा की गई और उसे पारित किया गया। CPC के 100 साल के इतिहास में यह इस तरह की मात्र तीसरा प्रस्ताव है। 14 पन्ने के विज्ञप्ति में शी के नेतृत्व और पार्टी में उनकी केंद्रीय स्थिति की प्रशंसा की गई है, जो स्पष्ट करता है कि वह अगले साल समाप्त हो रहे दूसरे कार्यकाल के बाद अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल जारी रखेंगे और अपना पूर्ववर्तियों की तरह सेवानिवृत्त नहीं होंगे। इस अधिवेशन में पार्टी के करीब 400 वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया है। जिनपिंग को 2016 में पार्टी के केंद्रीय नेता का दर्जा दिया गया था, जो माओ के बाद यह दर्जा पाने वाले पहले नेता है। क्रिकेट के महाकुंभ T20 विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख राशिद लोगों को निशाने पर आ गए हैं। यह वही शेख रशीद हैं जिन्होंने भारतीय टीम की हार को इस्लाम की जीत करार दिया था। अब पाकिस्तानी टीम की हार के बाद लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या यह इस्लाम की हार है। अब तक हजारों की तादाद में लोग जहां शेख रशीद के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी गृह मंत्री चुप्पी मार कर बैठे हैं। पीर फैजल नामक यूजर ने लिखा है कि इस्लाम की हार हुई क्या, ईसाइयों की जीत हुई क्या। राजू वर्मा लिखते हैं, शेख रशीद जी क्या यह इस्लाम की हार है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अभिषेक चौहान लिखते हैं, शेख रशीद जी आज कौन जीता, इस्लाम? कृपया अगली बार धर्म और क्रिकेट को दूर रखे, अब अगले साल आप लोगों से मुलाकात होगी। इस बीच शेख रशीद की बोलती बंद है और पराजय की कसक साफ दिखी। भारत के खिलाफ मिली जीत के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने धर्म को लेकर बयानबाजी की थी। उन्होंने पाकिस्तानी टीम की जीत को आलमी इस्लाम की जीत करार दिया था। शेख रशीद के इस बयान की भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तीखी आलोचना हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की हाथों T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की करारी हार के बाद बलूच विद्रोहियों ने जमकर जश्न मनाया है। वहीं तालिबान के दमन का शिकार अफगान जनता ने भी जोरदार डांस करके अपनी खुशी का इजहार किया है। बलूच कार्यकर्ता शहजाद बलोच की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हार के बाद सैकड़ों लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत कर रहे हैं। मारे खुशी के कई लोग कुर्सियों पर खड़े हो गए और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को बधाई दी और गले लगने के लगे। बलूचों की यही खुशी उन पाकिस्तानी नेताओं के लिए जोरदार तमाचा है, जो पाकिस्तान की जीत पर भारत में फटाके फोड़े जाने पर खुश हो रहे थे। बलूच जनता पाकिस्तानी सेना और चीनी के विस्तारवादी नीतियों का शिकार हो रही है। विरोध करने पर पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से युवाओं को उठा लेती है और बाद में उनके या तो शव मिलते हैं या फिर उन्हें जेल में सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। पाकिस्तानी दमन से अजीज आकर बलूच जनता अब आज़ादी की मांग कर रही है और पाकिस्तान के पंजाबी शासन को स्वीकार नहीं कर रही है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में भी पाकिस्तान की हार पर जमकर जश्न मनाया गया। जो बाइडेन प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों में थोड़ी ढील दी है, अब H-1B वीजा धारक को जीवन साथी का ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट मिल सकेगा। आसान भाषा में इसका मतलब है कि H-1B
वीजा के जरिए काम कर रहे कामकाजी लोगों के जीवन साथी अब अमेरिका में काम खोज सकते हैं। अमेरिकी सरकार के इस कदम से हजारे भारतीय लोगों को फायदा पहुंचेगा। बता दें कि होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा क्लास एक्शन मुकदमे में एक समझौते के बाद यह फैसला लिया गया है। इसे अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने अप्रवासी जीवन साथियों की ओर से दायर किया था। संस्था ने कहा है कि H4 वीजा धारक ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोजगार ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन के लिए रेगुलेटरी टेस्ट को पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलता है और उन्हें ऑथराइज्ड होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे में कई लोग अपनी नौकरी गंवा रहे हैं और इससे अमेरिकी का कारोबार को भी नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि H4 वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो H1B वीजा वालों के साथ अमेरिका में रहते हैं। अब तक 90,000 से अधिक H4 वीजा धारकों को वर्क ऑथराइजेशन नहीं मिला है। इसमें सबसे बड़ी आबादी भारतीय और अमेरिकी महिलाओं की है। दुनिया के शीर्ष कार्बन उत्सर्जक देश चीन और अमेरिका जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले उत्सर्जन पर लगाम कसने के लिए सहयोग बढ़ाने तथा कार्रवाई तेज करने को सहमत हो गए। उन्होंने अपने अन्य विवादों को लेकर तनाव के बीच वैश्विक तापमान में वृद्धि पर परस्पर प्रयास करने का संकेत दिया है। ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में संवाददाता सम्मेलन में चीन के जलवायु राजदूत शी जेन हुआ और उनके अमेरिकी समकक्ष जॉन कैरी ने कहा कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से जरूरी उत्सर्जन कटौती को तेजी से पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। शी ने कहा कि यह न केवल हमारे दोनों देशों के लिए फायदेमंद है बल्कि पूरी दुनिया के लिए। दुनिया के दो बड़ी महाशक्तियों चीन और अमेरिका के विशेष अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और वचनबद्धताओं का निर्वाह करना चाहिए। चीन ने भी ग्रीन हाउस गैस मीथेन पर रोकथाम का बाइडेन प्रशासन के प्रयासों के बाद मीथेन के रिसाव पर रोकथाम के लिए पहली बार सहमति जताई है। बीजिंग और वॉशिंगटन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रौद्योगिक साझा करने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप प्रशासन ने समझौते से अमेरिका को हटा लिया था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।